हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीत कॉलेज ने निगम को भेंट की ऑटोमेटेड सैनिटाइजेशन टनल मशीन। मोगड़ा स्थित जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से नगर निगम को उच्च दाब आधारित ऑटोमेटेड सैनिटाइजेशन टनल मशीन दी गई, जिसे नगर निगम में स्थापित किया गया। जीत समूह के महानिदेशक इंजीनियर नवनीत अग्रवाल ने बताया कि COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जीत समूह के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने 2 दिन में ऑटोमेटेड एवं दाब आधारित सैनिटाइजेशन टनल बनाई, जो सेंसर पर आधारित है। इस टनल में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो वो टनल प्रवेशित व्यक्ति को स्वत ही सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज कर देगी एवं बाहर निकलने पर ये टनल स्वत ही बंद हो जाएगी। इस मशीन की लागत 50,000 रुपए है। इस टनल के निर्माण में जीत समूह के शिक्षक डॉक्टर दीपक मेहरा, डॉक्टर कुसुम अग्रवाल, प्रोफेसर प्रतीक भंसाली, आदुराम पटेल, अजय कुशवाहा, दिग्विजय सिंह, किशनलाल एवं मोहम्मद सैफ ने सहयोग दिया। ये ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें प्रेशर और समय और कितनी प्रेशर से केमिकल हमारी बॉडी पे आना चाहिए ताकि हमारी बॉडी सर से लेके फिर नीचे पैर जूतों तक सैनिटाइज हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए पहले सॉफ्टवेयर पे इसको डिज़ाइन किया गया। उसके बाद उसमें प्रेशर और पोजिशन और एंगल को करते हुए 2 दिन में हमने मशीन तैयार करके आज नगर निगम जोधपुर को हमने समर्पित करी है, ताकि नगर निगम जोधपुर के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो जब भी अपने ऑफिस आए एक बार सैनिटाइज हों और अपने आप को अच्छा सा फील करें और उसके बाद अपने ऑफिस में जाएं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।